हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक होगा कि क्या आपके पर्सन आपसे फिर से मिलना चाहते हैं, क्या उनके दिल में वही फीलिंग्स हैं जो पहले थी। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो जानने की हम कोशिश करेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या होगा उनका नेक्स्ट स्टेप। तो आपको अपने पर्सन को याद करना है, पॉजिटिव रहना है और एंजल से भी प्रे कीजिए, यूनिवर्स से भी प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिल सके। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है सभी राशियों के लिए, यानी कि सभी जोडियक साइंस के लिए है। आपके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ इसका हिस्सा रेजोनेट हो जाएगा, तो आपको पॉजिटिव रहना है ताकि पॉजिटिव आप अट्रैक्ट करें अपने जीवन में। तो चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पर्सन का नाम लेना है, उनका चेहरा याद करना है और चेहरा याद कर कर उस पर्सन के साथ बिताया हुआ वक्त भी याद कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मिल सके। यूनिवर्स और एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स और एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स और एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। अपने पर्सन को याद कीजिए, उसके साथ या उनके साथ, चाहे आपका पर्सन मेल है फीमेल है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिए। तो ऐसे यहाँ पर लगता है कि जल्दी आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर लगता है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में अभी डेवलप हुई है फिर से। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था तो ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत ही बेचैन है आपसे मिलने के लिए। ये जल्दी आपको किसी ना किसी तरह से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे 101%। अभी कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्टली आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, ऐसी यहाँ पर वाइब्स है। ये पर्सन को लेकर आप बहुत ही पजेसिव लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि भगवान करे और ये पर्सन वापस लौट कर आपके पास आए, आपको अपनाएं, आपके साथ कांटेक्ट हो जाए, फिर से वही दिन लौट कर आपके ज़िंदगी में आए, ऐसी आपकी सोच लगती है और आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मिस कर रहे हैं, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। ये पर्सन भी आपके ख्यालों में खोए हुए लगते हैं और वही टाइम याद करते हैं जो टाइम आपने इस पर्सन के साथ स्पेंड किया था। मतलब जैसी हालत आपकी है वही अभी इस पर्सन की हालत लगती है, वैसी है। शायद बीच में ये थोड़े से आपसे डाइवर्ट हो चुके थे, इनका माइंड आपकी ऊपर से डाइवर्ट हो चुका था, इनका फोकस और कहीं पर था, जैसे कि काम में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे या जो भी इनके एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर इनका फोकस था, ऐसा लगता है। अगर ये पर्सन स्टडी करते हैं कुछ भी, तो इन्होंने फोकस आपके ऊपर से डाइवर्ट करके स्टडी पर फोकस किया था। अगर ये जॉब करते हैं जो जॉब या काम में फोकस था इनका, अगर ये और कुछ सोशल एक्टिविटी करते हैं, यहाँ पर ऐसी वाइब्स हैं कि ये पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए लगते हैं पर्सन आपके, या कुछ ना कुछ काम करते हैं सोशल एक्टिविटी, ऐसे यहाँ पर लगता है। ये पर्सन एडवोकेट भी हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ऐसे यहाँ पर स्ट्रांग वाइब्स हैं। तो इनको वक्त कम मिलता है अपने लिए और बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में, ऐसी यहाँ पर एनर्जी आज की है। यहाँ पर जो राशियाँ महसूस हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है स्ट्रांगली, वो है धनु राशि, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, मेष यानी कि एरिस राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि और सिंह राशि यानी कि लिवो। यहाँ पर कुछ इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इनिशियल के यहाँ पर है स्ट्रांगली दिख रहा है, इनिशियल आर है, इनिशियल ए है, पी है, एस, डी भी यहाँ है, एल भी यहाँ पर है। यहाँ पर नंबर जो दिखाई दे रहा है स्ट्रांगली वो है नंबर 8 और नंबर 1।
ये कुछ खास नंबर हो सकते हैं, आपसे रिलेट करते होंगे कुछ ना कुछ, आपके ज़िंदगी के साथ, आपके लाइफ के साथ कुछ ना कुछ इसका रिश्ता होगा ये नंबर्स, या फिर लकी नंबर हो सकते हैं 8 और 1। यहाँ पर ऐसी वाइब्स हैं कि आपके पर्सन भले ही काम में बिजी हैं लेकिन आपको भूले नहीं हैं, आपको याद करते हैं, आपकी यादें ताज़ा है। ऐसा नहीं है कि यादें ख़त्म हो गई, यादें बहुत ताज़ा लगती हैं। इनको ऐसा लगता भी नहीं है कि बहुत दिन हो गए आपसे कांटेक्ट नहीं हुआ है, इनको ऐसे लगता है कि हाँ कल ही तो बात नहीं हुई। इस टाइप की फीलिंग्स लगती है, मतलब इनको होश नहीं है कि कितने दिन हो चुके हैं आपसे बात किए हुए, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल लगता है इस पर्सन का, इसलिए इनको होश नहीं है कि कितने दिन हो गए। क्योंकि ऐसा किसी के बारे में भी हुआ था, किसी पर्सन के बारे में, उनका जब रीयूनियन हो गया तो वो पर्सन के पार्टनर ने यही बोला कि 1.5 साल हो गया है हमको दूर होके, और वो पर्सन उनसे पूछते हैं क्या सच में 1.5 साल हो गया, मतलब उस टाइप की फीलिंग, मतलब वो पर्सन को होश ही नहीं था। यहाँ पर उस पर्सन का माइंड जो है इतना डाइवर्ट हो चुका था, या किसी ने डाइवर्ट किया था कि वो पर्सन को होश नहीं था कि 1.5 साल गुजर गया। मतलब ऐसा मन अचानक से पर्सन का कैसे बदल जाता है, या क्या स्पेल वर्क काम करता है पता नहीं, लेकिन इंसान अचानक से बदल भी सकता है, वो एक एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि रीयूनियन की वाइब्स तो ज़रूर है यहाँ पर, चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश करे आपको दूर करने की, पॉसिबल नहीं लगता है। यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी है, यहाँ पर बोट की साइन बनी हुई है, ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग की कुछ एनर्जी है। यहाँ पर मून की साइन भी बनी है, तो ऐसा लगता है कि मून की एनर्जी इस पर्सन के ऊपर इफेक्ट करती है, जैसे कि अमावस्या पूर्णिमा आने पर ये पर्सन फ्लक्चुएट हो जाते हैं, न्यू मून फुल मून की एनर्जी इस पर्सन को इफेक्ट करती है, बहुत से लोगों को करती है, बहुत से राशि के लोगों को इफेक्ट होता है। यहाँ पर ऐसा भी लगता है इस पर्सन की हेल्थ भी बीच में ख़राब थी, कुछ ना कुछ इस पर्सन ने हेल्थ इश्यू फेस किया है, हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड यहाँ पर एनर्जी है, शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि तबीयत ठीक नहीं थी। तो ऐसा मोड़ अभी आया है आपके जीवन में कि आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो पूरा होते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है, मतलब जो आपने सोचा है या जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, कोई स्विच वर्ड यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन करते हैं, ऐसे लगता है इस पर्सन से बिछड़ने के बाद आपने ज़रा भी वक्त बर्बाद नहीं किया है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपने फोकस किया, यानी कि आपको लगा कि अगर भगवान चाहे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है, तो आपने वो विश्वास रखा और आपकी जीत होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि भगवान ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, यूनिवर्स आपको मिलाने की कोशिश करेंगे उस पर्सन से जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, ऐसा लगता है कंप्लीशन, वर्ल्ड की द वर्ल्ड कार्ड जो होता है टैरोट रीडिंग में, उसकी एनर्जी यहाँ पर लग रही है कि कंप्लीशन हो रहा है, कुछ तो विश आपकी पूरी होने वाली है, जो भी ख्वाहिश आपकी है जो अधूरी रह गई थी वो पूरी होने वाली है, जो भी आपका सपना है वो सच होते हुए नजर आ रहा है, आपको विश्वास रखना है यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि यूनिवर्स और एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं और आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच खींच कर लेके आ रहे हैं, ऐसा लगता है, मतलब ये आपके पर्सन अगर भटक गए थे, इनको रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था, कहीं पर गुम हो चुके थे, तो आपके पर्सन के दिमाग में आपकी यादें डाल रहे हैं एंजल्स, इनका माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके लिए फिर से प्यार जाग गया है इस पर्सन के दिमाग में, जिसकी वजह से ये और भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं,
आपके बारे में सोच रहे हैं और ये पर्सन अभी नहीं रह सकते आपको कांटेक्ट किए बिना, ऐसी वाइब्स है। क्या होता है, पर्सन की जिंदगी में थोड़ा सा बुरा वक्त आता है, लेकिन आपको हौसला नहीं हारना है, आपको एक स्ट्रेंथ के साथ मूव करना चाहिए। मतलब अपनी जिंदगी में रुकना नहीं है, चलते रहना है। बदलाव आते रहेंगे जिंदगी में, बुरा वक्त अच्छा वक्त सब कुछ होगा। आप अपनी जो फोकस है वो उसके ऊपर से आपको डाइवर्ट नहीं होना है। जैसे कि डेविल का कार्ड आपको ज़रूर ये बताने की कोशिश करेगा कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, आप मूव ऑन करो और किसी के साथ रिलेशनशिप करो। ये सब डेविल का काम है, लेकिन आपके प्यार सच्चा है, इसलिए आपने इस पर्सन का वेट किया है। भले देर से सही, लेकिन आपके पर्सन लौट कर आ रहे हैं, ऐसे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है। क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को। यहाँ पर नंबर 21 रिफ्लेक्ट हो रहा है। 21 यानी कि 21 दिन हो सकते हैं, 21 घंटे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव आपके जिंदगी में आएगा। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कभी भी देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके सिचुएशन के साथ मैच करेगा। 21 घंटे के अंदर या 21 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ आप चेंजेस देखेंगे अपने जीवन में, ऐसी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। तो पर्सन के दिल में आपकी बहुत सारी यादें हैं, आपके साथ इस पर्सन ने बहुत सारा वक्त गुजारा है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रांग है। जैसे आपने इस पर्सन को अपने दिल में बसा के रखा है, वो जगह और किसी को नहीं दी है, उसी प्रकार से इस पर्सन ने भी आपको अपने दिल में बसाया है। ऐसा नहीं है कि आपसे सेपरेट होकर ये पर्सन और किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। इनकी एनर्जी में चेंजेस आए थे इसलिए आपसे सेपरेशन हुआ, लेकिन अभी आपके पर्सन होश में आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ पॉसिबल होता है। जो भी आपको इम्पॉसिबल लगता है, सभी चीज़ें बदलने लगेंगी। आपको थोड़ा सा विश्वास रखना है, और आप ज़रूर रखते हैं, ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी है कि आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है ना कि अभी खुशी भरे दिन आपके स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे कि ना एक पर्सन झूले पे बैठा है और मस्त झूला लेता है, ठंडी ठंडी हवा, एक अजीब सा मौसम आता है जहाँ पर आपको लगता है कि वाह, मतलब बहुत ही प्लेजेंट मोमेंट्स आते हैं ज़िंदगी में, एक अलग बदलाव जिसका आप वेट करते हैं। जैसे कि तड़पती धूप में अचानक बारिश हो जाए तो कितना ठंडक लगता है आपको, थोड़े टाइम के लिए सही, लेकिन आपको ठंडा लगता है, बहुत ही अच्छी वाइब्स आते हैं। उस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर है कि कुछ बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही मेमोरेबल और बहुत ही सडन होने वाला है, एक अचानक बदलाव आपके ज़िंदगी में आने वाला है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, जिंदगी की सीढ़ी होती है, वहाँ पर आपको चढ़ते रहना है, और सीढ़ी पर आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जो बुरे हैं उनको छोड़ना चाहिए, और जो अच्छा आपको लेसन मिलता है, अच्छा कुछ सीखने को मिलता है, वो आपको लेकर रखना चाहिए, इससे आपकी ज़िंदगी आगे बेहतर होती है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ बहुत ही ब्राइट होने वाला है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस पर्सन बहुत एफर्ट डालेंगे आपको खुश रखने के लिए, आपको आपको जो भी पसंद है हर एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, आपको हैप्पी रखने की कोशिश करेंगे। मतलब आपके कोई भी शब्द के आगे ये अपना डिसीजन चेंज नहीं करेंगे, मतलब जो आप चाहते हैं उसके साथ सहमत होंगे, ऐसी यहाँ पर वाइब्स हैं। तो यहाँ पर डायमंड शेप भी बना है, ऐसा लगता है ये पर्सन डायमंड रिंग के साथ आ सकते हैं, या आपको डायमंड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, डायमंड नेकलेस, डायमंड रिंग,
ऐसा कुछ गिफ्ट ये पर्सन आपको दे सकते हैं, ऐसी यहाँ पर वाइब्स हैं। यहाँ पर एक स्पैरो का ये बनाए, छोटी सी चिड़िया, उसका एक सिंबल बनाए। शायद आपकी आपको लव बर्ड्स पसंद है, या घर में आपके लव बर्ड्स हो सकते हैं, या आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे लगता है। यहाँ पर एक छोटा सा टेडी बैर भी बना हुआ है। टेडी बैर जो होता है लव का सिंबल, तो ऐसा लगता है कि आपका रीयूनियन 100% कंफर्म्ड है और होकर रहेगा, ऐसी वाइब्स है। तो ऐसे लगता है कि आप किसी गार्डन में घूमना पसंद करते थे इस पर्सन के साथ। गार्डन का यहाँ पर सिंबल बना है, जहाँ पर बहुत सारे पंछी, बटरफ्लाइज, इस टाइप का नज़ारा, सीनरी, मतलब आपको नेचर से प्यार है ऐसा लगता है। आपके पर्सन को भी शांत जगह पर जाना, थोड़ा सा वक्त स्पेंड करना, जैसे कि किसी बीच पर जाना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना ठंडे पानी में, ऐसी कुछ वाइब्स यहाँ पर है। बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स लगती हैं। तो जो भी होगा बहुत पॉजिटिव होगा आपकी अभी लाइफ में, एक बदलाव आएगा, अचानक सडन चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी लगती है, और मैनिफेस्टेशन आपका जो है आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच रहा है। ऐसा लगता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जब आप किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए स्विच वर्ड्स यूज करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो काम कर रहा है, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं अपने पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, बहुत कुछ कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सब चीज़ें कर रहे हैं आप, शांत नहीं बैठे हैं, और ये यूनिवर्स देख रहा है, और जो आप चाहते हैं वो सपने आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन भी ऐसे लगते हैं कि स्पिरिचुअल पर्सन लगते हैं, मतलब इनको भगवान पे विश्वास है, या भगवान की पूजा है, पूजा पाठ करना, इस टाइप में विश्वास रखने वाले पर्सन लगते हैं। आपके पर्सन जो है ज़रूर नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और ज़रूर आपके सपने पूरे होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक दिल भी बना है जो धड़क रहा है, ऐसा लगता है आपके पर्सन के लिए। तो अभी हम टैरो कार्ड के थ्रू भी चेकआउट करेंगे क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। तो टैरो कार्ड के थ्रू भी चेकआउट करेंगे हम कि क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। इसे साइड में रख देते हैं, और टैरो कार्ड के थ्रू भी देखेंगे क्या एनर्जीज निकल कर आते हैं आपके पर्सन की, क्या सिचुएशन है, और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पॉजिटिव रहिए प्लीज़, यूनिवर्स और डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स और डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। वन टू थ्री और बॉटम ऑफ द डेक। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आई है। तो ऐसे लगता है आपके पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक हैं, लेकिन ये सही डिसीजन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, इनको अपने प्यार, आपके प्यार का एहसास हो चुका है, और सोच विचार करके आपकी तरफ आएंगे। 100% ये डिसीजन इनका पॉजिटिव होगा, क्योंकि यस का कार्ड आया है, और राशियां यहाँ पर जो दिख रही है वो है कैंसर यानी कि कर्क राशि, सजिटेरियस यानी कि धनु राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। यहाँ पर गुरु का भी कुछ लगता है कि गुरु किसी का पत्रिका में गुरु की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या मून की एनर्जी, यहाँ पर देखा आपने मून की एनर्जी आई हुई है, मून का इफेक्ट हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर, जिसके वजह से इनका स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पर्सन लौट कर ज़रूर आएंगे, आपकी तरफ ही आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि 100% ये अभी कंट्रोल में आए हैं, पॉजिटिविटी में आए हैं, और इनमें एक डिसीजन लेने की क्षमता आई है, और ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो पॉजिटिविटी
में आ रहे आपके पर्सन और एंजल्स की तरफ से यही आपके लिए मैसेज है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी तो जो थी आप दोनों को अलग किया था वो दूर हो रही है और एक अच्छा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। हम यही दुआ करेंगे कि आपका रीयूनियन जल्दी से हो जाए आपके पर्सन के साथ। प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी वीडियोस बनाने के लिए, और आप सपोर्ट भी करते हैं इस चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।